नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप YouTube पे कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको कॉपीराइट के बारे में पता ही होगा। नहीं पता तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है और मैं इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में सबको समझाने वाला हूँ, ताकि आगे चल के अगर आप इसमें से कोई भी गलती करते हो जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो भाई आपका चैनल आगे चल के अगर डिलीट होना होगा तो शायद इस वीडियो को देख के बच जाए। अगर आप शॉर्ट वीडियोस अभी भी बना रहे हो या बनाने की सोच रहे हो, कॉपी पेस्ट वीडियो बनाने की सोच रहे हो, तो भाई थोड़ी देर रुक जाओ, 10 मिनट की काम की वीडियो देख लो। कहीं ये ना हो कि आपकी 10 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाए और यूट्यूब पे आपका चैनल जो है वो डिलीट हो जाए, फिर आप रोके वीडियो बनाओ कि भाई हमें किसी ने बताया नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों को बताने के लिए ही बनाई गई है। कॉपीराइट के बारे में A to Z में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे बड़े बड़े जो यूट्यूब के टेक चैनल हैं उन्होंने 1-2 साल पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाई भी थी, लेकिन उन्होंने खुद अपनी वीडियो में इस बात को ढंग से एक्सप्लेन किया ही नहीं, या तो उन्हें एक्सप्लेन करना नहीं आया या उन्हें पता ही नहीं था, हवा में उन्होंने वीडियो बना दी। तो मैंने सोचा कि भाई जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर इस टॉपिक तक पे नहीं बता पाए लोगों को, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, एक ही यूट्यूब के टेक गुरु हैं जिनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा हैं, उन तक पे तो बताना नहीं आया कि कॉपीराइट एक्चुअल में क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको आपकी गलतियां भी बताऊंगा, और अगर आप इस वीडियो को ढंग से पूरा देखते हो बिना स्किप किए तो इसमें आपका फायदा है। सबसे पहली बात आप ये समझ लो, क्योंकि आप इसमें देख के सीख भी सकते हो और कॉपीराइट के बारे में सब कुछ जानकारी आपको हो भी जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत कॉपीराइट से करते हैं कि ये होता क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो देखो भाई, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, वो भी डिटेल में और वो भी सही जानकारी के साथ। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो फ्री में चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, बस मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं अगली वीडियो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगा और वो भी आप ही के फायदे के लिए होगी। तो बस सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ताकि वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट भी मिले। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। देखो, कॉपीराइट का मतलब आसान शब्दों में ऐसा करके समझो कि मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है, अब मेरा वो ऑडियो भी हो सकता है, मेरा कोई गाना भी हो सकता है, मेरी कोई वीडियो भी हो सकती है, मेरी कोई आर्ट, मेरी कोई ड्राइंग, मेरा कोई फोटो, वो सारा कुछ कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ही समझें, क्योंकि आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब आपने मेरी वीडियो का छोटा सा पार्ट बिना मेरी परमिशन के एडिट किया, कट किया या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से डाउनलोड किया, ठीक है, अब आपने उस वीडियो में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके या मेरी वीडियो के साथ थोड़ी सी एडिटिंग करके अगर अपलोड की भी है कहीं पर भी, और खास करके यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब के बारे में बात हो रही है तो मैं यूट्यूब पे ही समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ जाओगे। अगर आपने मेरी वीडियो को उठा के यूट्यूब पे अपलोड किया भी, तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब हम क्रिएटर को ना एक टूल देता है बहुत बढ़िया सा, और वो टूल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जो क्रिएटर होते हैं। अकेले मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी वो टूल जो है YouTube प्रोवाइड कराता है। जब आप YouTube के YPP प्रोग्राम यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाते हो, आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, तो YouTube आपको कॉपीराइट मैचिंग टूल का ऑप्शन देता है। इसमें क्या है कि YouTube आपको बताता है कि आपकी वीडियो और कितने लोग यूज कर रहे हैं, किस चैनल ने अपनी किस वीडियो में आपकी वीडियो लगाई है और कितने सेकंड से लेके कितने सेकंड के बीच लगाई है, इतना एग्जैक्ट YouTube हमें बता देता है कि भाई आपकी वीडियो वहाँ यूज हो रही है। अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि हमें जब पता चल जाता है कि हमारी वीडियो वहाँ यूज हो रही है और सामने वाला व्यक्ति अपनी वीडियो पे मोनेटाइजेशन इनेबल करके हमारी वीडियो यूज कर रहा है, तो हम YouTube को बोलते हैं कि भाई ऐसा है, इसको YouTube को हम टेक डाउन रिक्वेस्ट के लिए अपील करते हैं कि इसकी वीडियो जो है वो डाउन करो, ये मेरी वीडियो यूज कर रहा है। अब YouTube ऐसा नहीं है कि मैं उसे YouTube को बोलूंगा तो YouTube एक साथ आपकी वीडियो को डाउन में कर देगा, YouTube खुद उसको चेक करता है, आपकी वीडियो पे एनालाइज करता है कि हाँ क्या मैंने जो अपील की है वो सही है या नहीं। अगर YouTube को आपकी वीडियो में मेरी वीडियो दिख जाती है तब YouTube आपको स्ट्राइक देता है। और ऐसे में भी 3-4 कंडीशन होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो तब तो, और फेक चैनल बनाते हो शॉर्ट वीडियो में, तो भैया फिर तो ये बातें भी आप जान ही लो हाथ के हाथी, ताकि आगे चल के आपका चैनल डिलीट ना हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टेक चैनल, आपसे भी बड़े बड़े टेक चैनल जो हैं और शॉर्ट वीडियो के चैनल हैं, वो भी डिलीट हो चुके हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप मान लो शॉर्ट वीडियो बनाते हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं आपको सिखाते हैं कि किसी क्राफ्ट की वीडियो को डाउनलोड कर लो, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करो और उससे शॉर्ट वीडियो बना के डाल दो। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे शॉर्ट वीडियो के क्रिएटर भी उठे भी थे, लेकिन आज की तारीख में उनके चैनल पे आप जाके देखोगे तो भैया सारी वीडियो वो खुद डिलीट कर चुके हैं।
मिलियन में सब्सक्राइबर हो गए थे एक एक महीने में, लोगों के मिलियंस में व्यू आ रहे थे, कमा भी अच्छे से रहे थे, लेकिन अचानक से यूट्यूब का एक मेल आता है और चैनल डिलीट, यानी कि सब कुछ खत्म। अब ऐसे में आप किसके पास जाओगे? जो बड़े टेक चैनल हैं, जो आपको कॉपी पेस्ट करना सिखा रहे हैं, उन्हीं के पास जाओगे कि सर आप हमारी हेल्प कीजिए। और इनमें से कोई भी फर्जी यूट्यूबर, नकली यूट्यूबर आपकी हेल्प करेगा ही नहीं, क्योंकि उनको कॉपीराइट के बारे में खुद नहीं पता। मैं बड़े बड़े टेक चैनल वालों को देखता हूँ जो वीडियो बनाते हैं कि यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करो, अपलोड करो, उनको कॉपीराइट के बारे में पता ही नहीं है। वो कभी अपनी ऑडियंस को बताना ही नहीं चाहते कि यूट्यूब के कोई फर्जी बाबा हैं, यूट्यूब की टिप्स भी देते हैं, ऐसा वो कहते हैं, हालांकि उनके चैनल पर यूट्यूब टिप्स का नाम का कुछ नहीं है। तो उनके पास भी एक बंदा गया कि सर मेरे पास क्लेम आ गया, यूट्यूब ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी और चैनल डिलीट हो गया। तो वो यूट्यूब वाले जो फर्जी बाबा हैं, वो अपनी वीडियो में कह भी रहे थे कि यूट्यूब को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वीडियो जब अपलोड करता है कोई व्यक्ति तो उसे वहीं पर पता चल जाए। तो सही बात बताऊं, इन यूट्यूब वाले फर्जी बाबा को इन्होंने कभी खुद वीडियो अपलोड की ही नहीं। यूट्यूब उस समय भी आपसे पूछता है कि भैया आपकी वीडियो जो है वो चेकिंग में चल रही है, और चेकिंग में चलने के बाद यूट्यूब भी इस चीज़ को चेक करता है, लेकिन वो चेकिंग 100% फाइनल नहीं होती। यूट्यूब कहता है कि बाद में भी अगर आपकी वीडियो में ऐसा कुछ निकल आया तब भी हम इस वीडियो को टेक डाउन कर सकते हैं। तो भैया आपको उस पर भी रेटिंग देनी होती है अपनी वीडियो पे अपलोड करते समय, और यूट्यूब का जो कॉपीराइट है, जो नियम है, वो बहुत सख्ती से लागू करता है यूट्यूब। और इस मामले में सारे क्रिएटर यूट्यूब के लिए बिल्कुल इक्वल हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होती। जैसे बड़े यूट्यूबर लिखते हैं ना कि गरीब के पेट पे लात मारी यूट्यूब ने, भैया कॉपीराइट का नियम है वो, तो सीधी बात है अगर कोई तोड़ेगा तो यूट्यूब फिर उसे बाहर निकाल देगा, तो इसमें लात मारने वाली बात तो होती नहीं है। यूट्यूब के जो फर्जी बाबा हैं वो अक्सर यही वाली बात लिखते हैं। तो अब बात करते हैं कि कॉपीराइट में तीन पॉइंट कौन कौन से हैं। मेरी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों ने डाउनलोड किया, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, मुझे पता चल गई, मैंने अपील कर दिया टेकडाउन। अब आपने अपनी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट यूज कर लिया, तीसरी वीडियो में किसी तीसरे का कर लिया, या आपने मेरे ही कंटेंट को तीन बार यूज कर लिया अपनी तीन अलग अलग वीडियो में, तो तीन आपके पास स्ट्राइक आएंगी यूट्यूब की तरफ से, और यूट्यूब आपके चैनल को हटा देगा हमेशा के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि यूट्यूब इस चीज को रिकॉग्नाइज करता रहे और एक साथ आपको एक मेल भेजे। उस मेल में होगा कि भाई आप जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन कर रहे हो और आप इस तरीके से किसी दूसरे का कंटेंट यूज कर रहे हो, तो हम आपके चैनल को यूट्यूब से हटा रहे हैं। बस इतना मेल आएगा और आपकी महीनों की या सालों की मेहनत जो होगी ना, एक सेकंड में गायब हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में पता नहीं था या आपको कॉपीराइट के बारे में पता नहीं था, इसीलिए आपका चैनल जो है वो डिलीट हुआ। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप किसी का कंटेंट अपलोड करते हैं और अगर आप उसे यूट्यूब पे अपलोड कर भी रहे हैं तो भी कॉपीराइट आने के चांसेस 101% है, इस चीज को समझ लो। और अगर आप यूट्यूब का कंटेंट भी कहीं और अपलोड कर रहे हैं तब भी आपके पास कॉपीराइट आ सकता है, और आपका अकाउंट जो है आपने कितने भी मेहनत से कितने भी सालों में उसे एक्टिवेट किया हो, ग्रो किया हो, वो डिलीट हो सकता है। मैं देखता हूं अभी कुछ समय पहले भी कोई शॉर्ट चैनल था, उनके चैनल पे भी उन्होंने किसी आर्ट चैनल की वीडियो को अपलोड किया था कॉपी पेस्ट करके, उनके चैनल पे स्ट्राइक आ गई, चैनल हो गया डिलीट। अब उन्होंने वही आंसू बहा के, घड़ियाली आंसू, वीडियो बनाई कि बस केवल किसी का कंटेंट ही तो यूज किया था, 5 साल की मेहनत थी बर्बाद हो गई। तो भाई 5 साल की क्या, 50 साल की होती वो तब भी बर्बाद होती, क्योंकि जिसका तुमने कंटेंट किया वो भी यूट्यूबर है पहली बात तो, ठीक है ना। तो तुम इतने स्पेशल नहीं हो कि लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हो, और तुम जो घड़ियालू आंसू बहा के दिखा रही हो इससे किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूब की जो कॉपीराइट पॉलिसी है वो सबके लिए इक्वल है, और दूसरे का कंटेंट आप बिना परमिशन अपलोड करोगे तो भाई वो स्ट्राइक भेजेगा, तुम उसके रिश्तेदार तो हो नहीं जो आपको छोड़ेगा। और फिर दूसरी बात, आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर कॉपीराइट डिस्क्लेमर लिख भी रहे हो तो ये समझ लो उसका भी कोई मतलब तब तक नहीं रह जाता कि आप किसी की वीडियो को अपनी वीडियो में यूज भी कर रहे हो, उससे पैसे भी कमा रहे हो, और फिर लिख देते हो कि भैया कॉपीराइट डिस्क्लेमर ये फलाना ढंग का फलाना ढंग का। तो भैया इससे कुछ नहीं होता, वो तब भी आपको क्लेम भेजेगा क्योंकि आपने अपनी वीडियो का मोनेटाइजेशन इनेबल कर रखा है, आप उसे कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हो उसके पार्ट को वीडियो के। किसी दूसरे का कंटेंट अगर आप पैसे कमाने के उद्देश्य से यूज कर रहे हो तो कॉपीराइट आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वो बात अलग है कि आप अगर न्यूज रिपोर्टिंग, एजुकेशनल पर्पस या क्रिटिसाइज करने के लिए इस तरीके से वीडियो बना रहे हो, किसी ने कोई वीडियो बनाई, अपनी वीडियो में बहुत कुछ गलत बोला या गलत जानकारी दे रहा है, और आप उसकी वीडियो का पार्ट यूज करके लोगों को सही जानकारी दे रहे हो कि भाई देखो इन्होंने तो गलत बताया है लेकिन मैं सही बता रहा हूं, तो उस जगह पे आप डिस्क्लेमर लगा सकते हो, क्योंकि आपका जो पर्पस है वीडियो यूज करने का वो
लोगों को समझाना है, एजुकेशनल पर्पस भी है और दूसरा मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए भी बना रहे हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ पाए होंगे कि आप किसी का कंटेंट कहीं से भी उठा के कहीं भी अपलोड करोगे, कॉपीराइट यूट्यूब और फेसबुक का नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप ये समझो, बस यूट्यूब जो है वो यूट्यूब इस चीज को, हर देश का देखो अलग होता है, हर देश में कॉपीराइट एक्ट जो है वो वेरी भी करता है, हर जगह अलग अलग रूल भी होते हैं, लेकिन यूट्यूब क्या है, यूट्यूब उसको बहुत सख्ती से पालन करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि यूट्यूब पे अगर स्ट्राइक कॉपीराइट को लेके आ गई तो भैया फिर चैनल को कोई नहीं बचा सकता। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से आप समझ पाए होंगे कि अपनी वीडियो के किसी भी जगह पे आप किसी दूसरे की वीडियो लगा रहे हो तो पहले अगर आप उसकी परमिशन ले लो ना तो ठीक है, अदरवाइज क्लेम आने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आप गूगल के फोटो उठा के भी लगा रहे हो तो आप गूगल के फोटो पे भी देखना उस पर भी लिख के आता है इमेज में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, तो भैया उस पर भी कॉपीराइट आ सकता है, इस चीज को समझ लो। और आज आपने अपलोड कर दी वीडियो तो जरूरी नहीं है कि आज ही आए, ऐसा भी हो सकता है एक महीने बाद क्लेम आए, दो महीने बाद आए, कभी भी आ सकता है उसके ऊपर, अगर आपकी वीडियो में किसी दूसरे का पार्ट या दूसरे का कंटेंट है तो। अब बात आती है थंबनेल की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थंबनेल पे और लोगों के फोटो लगा देते हैं, सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड कर रहा है उसका फोटो लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी का पूरा फेस लगा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास क्लेम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसी कंडीशन में भी आपका चैनल जो है वो डिलीट हो सकता है। तो भैया सोशल मीडिया पर अगर आपको सक्सेस होना है और आगे तक कमाते रहना है बिना रोए तो भैया आप अपना खुद का कंटेंट अपलोड करो, दूसरे का कंटेंट अपलोड करने की कोशिश मत करो। और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां कॉपीराइट फ्री कंटेंट मिलता है, वहां से जाके कंटेंट अपलोड कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा डिटेल में कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट कैसे डाउनलोड करते हैं, चाहे गूगल से सही चाहे वेबसाइट से सही, तो मैं नई वीडियो में बता भी दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो हो चुकी है लंबी। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नए हो तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रही है ये, और आगे की जो वीडियो आएंगी वो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।